अस्सलामुअलैकुम माय लवलीज़, वेलकम टू कमल्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। गाइस, कल का मेरा जो दिन गुजरा था वो मैं आपसे शेयर आज करना चाहती हूँ। कल मुझे टाइम नहीं लगा कि मैं अपना व्लॉग अपलोड कर सकूँ, तो मैंने सोचा कि आज अभी मैं फ्री हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो सुबह हमारी थोड़ी सी ट्रैजिक स्टार्ट हुई। मैंने हादिया को रेडी किया उसको स्कूल छोड़ने के लिए, और ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चे काफ़ी बैठे हुए थे और टीचर्स भी थी, तो उसके स्कूल में जो है वो पाइप, जो वाटर पाइप होता है, वो बर्स्ट हो गया था, और जिसकी वजह से उसको स्कूल से टीचर्स ने गेट पे ही खड़े होके बोले थे, सबको आके बता रही थी कि आज स्कूल बंद होगा बिकॉज़ स्कूल में अपेरेंटली फ्लड आ गया है। तो वो पाइप जो है वो बर्स्ट था, इसकी वजह से स्कूल जो है वो तो बंद था, लेकिन हादिया को यकीन नहीं आ रहा था। इसको रास्ते में इसके फ्रेंड्स ने भी बोला कि हादिया डोंट गो स्कूल, द स्कूल्स क्लोज, लेकिन हादिया को यकीन नहीं आ रहा था। तो उसको था कि मामा प्लीज़ मुझे दिखा के लाओ कि पानी किधर है, फ्लड किधर है। उसको था कि पता नहीं कितना पानी जमा हो गया है। तो फिर मैं उसको लेके गई, ये हम स्कूल के रास्ते में हैं, अभी जा रहे हैं, और इसकी टीचर्स जो हैं आपको अभी सामने नज़र भी आएंगी खड़ी हुई गेट पे। तो वो इसको बताती हैं कि स्कूल वाकई में आज बंद है। जब इसको टीचर ने बताया तो उसको थोड़ा हौसला हुआ कि ओके मम्मा जोक नहीं कर रही, सच्ची मुच्ची में स्कूल बंद है। असल में हुआ ये कि वो रेडी थी, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, यूनिफॉर्म पहना हुआ था, बस जाने ही लगे थे कि अचानक मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि स्कूल तो बंद है, क्योंकि उसका बेटा और हादिया जो है वो सेम क्लास में हैं। तो उसने मुझे बता दिया, लेकिन फिर भी हमें जाना ही पड़ा क्योंकि हादिया को यकीन तो दिलाना था। तो ये उसकी टीचर्स हैं दोनों, इन्होंने फिर उसको बताया कि इशू है बना हुआ, तो सुबह आप दोबारा आ जाना, लेकिन फ़िलहाल आप स्कूल जाओ, सॉरी घर जाओ। तो फिर मैं उसको घर लेके आई, तो स्कूल वालों ने, टीचर्स ने इसको ऑनलाइन जो है वो भेजा इसका होमवर्क, और वो सारा कुछ मैंने आके उसको करवाया ताकि उसको दिन बोरिंग गुजरे ना। और ये रास्ते में उसको फ्लावर नज़र आ गया, और उसने कहा कि ये फ़्लावर मैंने अपने अबू जी के लिए लेना है, शी इज़ अ डैडीज़ गर्ल। तो उसने फ़्लावर लिया अपने डैड के लिए, तो ये लेके फिर हम घर अभी गए। उसका दिन स्टार्ट हुआ, उसको होमवर्क वगैरह करवाया, तो मुझे ख्याल आया कि अल्लाह ना करे कि लॉकडाउन दोबारा ना लगे, क्योंकि हालात जो हैं वो थोड़े से अजीब से हैं। कोई कहता है कि कोरोना जो है वो दोबारा से होने का ख़दशा है, कोई कहता है लॉकडाउन होने का ख़दशा है। तो मुझे था कि हादिया के ईयर्स जो हैं वो पियर्स कराने हैं। उसकी पुप्पो ने उसके लिए ईयरिंग्स लिए थे पाकिस्तान से, और उसने मुझे बोला कि मम्मा प्लीज़ मेक डॉट्स इन माई ईयर्स ताकि मैं वो ईयरिंग्स पहनूँ। तो मुझे था कि वीकेंड है और बेटर है कि मैं इसके ईयर्स जो हैं वो पियर्स करवा लूँ, क्योंकि अगर उसको पेन हुई भी तो ड्यूरिंग द वीकेंड ठीक हो जाएगी, फिर मंडे उसने स्कूल जाना है तब तक हील हो जाएगा अगर उसको पेन हुआ भी। तो ये हम आए हैं, इसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इसके साथ अभी होने क्या वाला है, और शी इज़ रियली हैप्पी। मुझे पूछ रही थी कि मम्मा डज इट हर्ट, तो आई सेड कि हर्ट तो नहीं होगा, यू शुड बी फाइन, और शी इज़ रियली एक्साइटेड, वेरी हैप्पी कि मैं ये जो है वो करवाऊँगी। ये देखें उसको जल्दी है कि डोर खुले मैं अंदर जाऊँ, लेकिन आगे आपको भी पता चलेगा कि इसके साथ इसने कितना शोर किया, जहाँ जो लोग ज्वेलरी शॉप पे थे, जहाँ पे जितने भी वो सारे हादिया को देखने लग गए अपना काम भूल के। तो ये शॉप बहुत प्यारी थी गाइस, मुझे बहुत नाइस लगी। न्यू शॉप है, रिसेंटली बनी है, लेकिन अंदर से उन्होंने लाइट्स वगैरह और डेकोरेशन और जिस तरह को उन्होंने किया हुआ है, इट्स अ ब्यूटीफुल शॉप। और ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये नोज़ के स्टड्स हैं, स्टड्स ही बोलते हैं आई थिंक उनको जो नोज़ में पहनती हैं लेडीज़, वो हैं सारे नोज पिंस, सॉरी। और बहुत सारी ईयरिंग्स थी, और बहुत सारी, आपको पता है गोल्ड शॉप पे बहुत सारी ज्वेलरी होती है, तो उधर एक ब्लू से ईयरिंग्स भी पड़े हुए थे। तो हादिया ने मुझे बोला कि मम्मा ये देखें खड़ी है सामने, तो मुझे बुला रही थी कि मम्मा यहाँ पे जो ब्लू वाले हैं ना वो मैंने पहनने हैं, वो काफ़ी बड़े थे। तो मुझे बहुत हंसी आई कि बेटा अभी आप इसको देख रही हो, आपको लग रहा है कि आप वो पहनोगी, लेकिन ये अभी पता चलेगा थोड़ी देर में जब गन शॉट हुए कान पे। तो मैंने उसको बोला ठीक है सही है, मैं आपको ये पहना दूँगी। मुझे था कि जो इसकी बालियाँ छोटी छोटी जो आप ही इसके लिए लेके आई थी वो पहनाऊँगी, लेकिन उन्होंने कहा कि जब हम ईयर्स पियर्स करते हैं तो उसके फ़ौरन बाद आप नहीं चेंज कर सकते, स्टड्स पहनाने पड़ेंगे, और जब ये हील हो जाएंगे कान, जो पेन वगैरह उसकी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आप चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे ये देखे कितने नाइस ईयरिंग्स हैं, यहाँ से इसको ब्लू वाले अच्छे लगे थे।
तो फिर हमने ये किया कि वहाँ से उसकी इयररिंग्स जो हैं, कुछ स्टड्स जो हैं वो वहीं से उसको पहनाए। और ये देखें कितनी प्यारी शॉप है ये। हादिया भी बहुत खुश थी, हुज़ैफ़ा हमारे साथ था, उसको भी कुछ नहीं पता था, वो बस शान को लेके खड़े थे और वो देख रहा था कि हम क्या हैं, किधर आए हुए हैं। और हादिया जो है वो तो पूरी शॉप एक्सप्लोर कर रही थी। और अभी आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या हुआ। तो यहाँ पे ये हुआ कि जो शॉप वाले भाई थे उन्होंने बोला कि आपको निशान लगाने पड़ेंगे जहाँ आप चाहते हैं कि जिस जगह से हम उसके फेस करें वहाँ पे आप मार्क्स लगा दें। और हुआ ये कि मैं और शान जो है वो हम दोनों एक दूसरे के साथ इत्तफाक नहीं कर रहे थे। जहाँ पे शान लगा रहे थे मुझे लग रहा था टू मच ऊपर है, और मैं लगा रही थी तो वो कह रहे थे कि बहुत नीचे है। तो एंड पे मैं ही जीती क्योंकि शान जो है वो ज़्यादा ऊपर लगा रहे थे। वो कह रहे थे कि लॉन्ग लाइफ टाइम के लिए ये इसके इयररिंग्स होंगे। तो वो आपको पता है कि लेडीज़ की जो कान है वो ज़्यादा हैवी पहन पहन के इयररिंग्स तो वो थोड़े लटक जाते हैं। और लाइक नहीं कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, डोंट वरी, बहुत ज़्यादा ऊपर तो अच्छे भी नहीं लगेंगे। तो फिर दोबारा हमने किए तो वो जो भाई हैं जिन्होंने ईयर पियर्स करने थे उन्होंने चेक भी किया दोबारा से। तो एंड पे हम मान ही गए एक दूसरे की बात, हम दोनों ने कर लिया, एक शान ने लगाया डॉट और दूसरा मैंने लगाया, तो वो बराबर हो गए थे। तो इसके बाद फिर आप देखें आगे के हदिया का जो सिचुएशन है वो कैसी होती है। अब इसको कुछ पता नहीं है, वो थोड़ा पेंसिल से डरी थी, उसको लग रहा था कि पेंसिल से करूँगी। आप उसको फेस पे भी देख सकते हैं कि वो देख रही है कि अभी क्या होने वाला है। लेकिन दिस वॉज नथिंग गाइज। हाथिया चूँकि उसका लॉन्ग दिन हो गया था और आप देख सकते हैं कि वो टायर्ड थी, उसको नींद भी आई थी, लेकिन वो एक्साइटेड भी थी क्योंकि उसने करवाना था ईयर्स और नींद का उसको कोई केयर नहीं थी। उसको बस था कि मेरा ये जल्दी से हो जाए। अभी वो जो भाई हैं वो जो गन होती है जिसके साथ ये फेस करते हैं वो रेडी कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ मेडिसिन वगैरह लगा रहे थे। मे बी वो इसलिए था कि उसके बाद पेन नहीं हो। और हादिया भी यहाँ पे मुझे पूछ रही है कि मामा वो क्या है, और मैं उसको बस इधर उधर की बातें सुना रही थी कि वो डरे नहीं। लेकिन वो उसको पता था कि कुछ तो है जो ये मेरा साथ होने वाला है। गाइस तो पेन जो है हादिया की जो पेनफुल टाइम था वो गुजर गया। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, आई वाज सो हैप्पी टू सी हर ईयर्स लाइक दैट, इट लुक्स सो नाइस। तो उसके बाद गाइस हादिया जो है वो अपने पप्पो के घर चली गई, वो वहाँ पे रहेगी आज। तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए हेयर कलर ले लूँ, और वहाँ से हम सुपर ड्रग आ गए, घर के पास ही है बिल्कुल। तो यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी अपने लिए, हेयर प्रोडक्ट्स वगैरह,
वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कलर नहीं कर सकती अपने बाल, क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद देम, मे बी मैंने बहुत ज़्यादा कलरिंग कर ली, लाइक एक दिन करके उसी दिन दूसरी कलर, और मुझे वो कलर पसंद नहीं आया तो फिर मैंने दोबारा से कलर किया, तो वो मेरे बाल जो है ना वो जीप से टूट रहे थे और जैसे कि बेजान से हो गए थे, तो मैंने प्लान कैंसिल कर लिया। मैंने सोचा कि 2-3 weeks के लिए आई एम जस्ट गोना लुक आफ्टर देम एंड थोड़े से ठीक हो जाएं, उसके बाद करूँगी, अदरवाइज़ बाल ख़राब बहुत हो रहे थे और आई डिड नॉट वांट दैट टू हैपन। तो यहाँ से मैंने कलर्स अपने लिए लिए, हाइलाइटिंग किट ली, और जो जो चीज़ें मुझे यहाँ से चाहिए थी वो मैंने ले ली कि जब मैं कलर करूँ तो उसके लिए मुझे वेट नहीं करना पड़े, दोबारा नहीं आना पड़े। और इसके बाद जो है वो घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने लिया क्या। जी तो गाइज, आई एम होम नाउ एंड मैंने जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। आई एम ग्लैड कि मैंने ये ऑयल लिया था, क्योंकि जब मैंने बाल अपने चेक किए तो वो टूट रहे थे और अजीब से मरे हुए थे, तो ये ऑयल मैंने ऐसे ही एक ले लिया क्योंकि इट वाज़ अ गुड प्राइस, और मैंने सोचा कि एक लेके देखती हूँ कि कैसा है। ये मैंने लिए थे पर्पल शैम्पू एंड कंडीशनर और ये हेयर मास्क इंटेंसिव केयर के लिए, क्योंकि बाल जो हैं वो जब आप करते हैं तो उनकी बहुत बुरी हालत होती है। ये ऑयल था, बहुत अच्छा लगा मुझे, इसके लगाने से मुझे फौरी तौर पे फील हुआ कि जैसे ना बाल थोड़े से बेटर हो गए हैं, और मैं सोच रही हूँ कि मैं और लेके आऊँगी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये वैसे कलर वाला शैम्पू था कि वैसे कलर जो किया हुआ होता है हमने उसके लिए प्रोटेक्शन के, ज़्यादा देर के लिए रह जाते हैं फिर। और ये वाला मैंने किट लिया था हाइलाइटिंग किट, और इसके साथ ये हैट आती है, इसके आप पहन के तो जो जहाँ से आप चाहते हैं कि हाईलाइट करें वहाँ से आप बाल निकाल लें और उसको ऐसे कर लें। तो किसी दिन मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ, घर पे ही कर लेते हैं। तो ये था गाइस आज का मेरा व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।